हेलो फ्रेंड्स, किरंदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो पिछले वीडियो से रिलेटेड वीडियो है। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए सेट बुनना लगा रखा है। पिछले वीडियो में हमने इसके स्वेटर बुना था, इस वीडियो में हम इसकी कैप बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट्स हैं वो सेम रहेगी। जैसे कि ये कैप जो है ये 0 से लेके 3-4 महीने तक के बच्चों को बहुत ही आराम से आएगा। और मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको बताया है, 2 सिलाइयों में बुनना बताया है और बहुत ही सिंपल तरीका है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको सर्कुलर नीडल्स पे भी आराम से बुन सकते हैं। और इसमें इसको बुनने में 50 ग्राम से भी कम वूल का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि पूरे सेट में टोटल 200 ग्राम तक की वूल इसमें इस्तेमाल होगी। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये कैसे बुना गया है, बहुत ही आसान। और इसकी शेप जो है बहुत ही सुंदर आती है जब आप इसको सिर में डालेंगे। तो ये जो है इसका सिलाई है, अगर आप इसको सर्कुलर नीडल पे बुनेंगे तो ये सिलाई जो है ये इसमें नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बुनना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए है मैंने 66 स्टिचेस, यानी के 66 फंदे। और ये जो मैंने फंदे डाले हैं इनका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप आराम से उसको जाके देख सकते हैं और फंदे डालना भी सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये फंदे जो हैं ये पेयर में आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और इसके स्वेटर के लिए भी हमने यही फंदे यूज़ किए थे। तो ये इसकी राइट साइड है, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालेंगे सीधी सीधी 8 रोज का बॉर्डर। देखिए, सीधी सीधी 8 रोज का हम इसमें बॉर्डर बुनेंगे। ऐसे देखिए बुनते जाएंगे। आप अपने हिसाब से जितनी भी चाहें उतनी रोज का इसमें बॉर्डर डाल सकते हैं। चाहें तो आप 6 रोज का डालें, 8 का डालें या 10 का डालें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बुनने वाली हूँ 8 रोज का बॉर्डर। सीधी सीधी इसमें 8 रोज ऐसे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 8 रोज जो हैं सीधी सीधी बुन के कम्प्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। जब ऐसे ऐसे 4 आ जाए तो आपकी 8 रोज ये कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इसकी राइट साइड है, रॉन्ग साइड से भी देखिए ये ऐसा ही दिखेगा। तो राइट साइड रो नंबर 9। अब इसमें हम सीधी उल्टी रो का सीधा सीधा बुनेंगे, जैसे हमने स्वेटर में बुना है। ये हम सिंपल बना रहे हैं तो इसको हम कैप को भी सिंपल ही रखते हैं। इसमें डिज़ाइन अपने आप आ जाएगा क्योंकि मल्टी कलर वूल है ये। ये रो नंबर 9 राइट साइड सारी सीधी बुन के कंप्लीट करते हैं। ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड में हम रो नंबर 10 में इसको हम सारा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे, सीधी साइड आप सीधी सिलाई डालेंगे और उल्टी साइड रॉन्ग साइड में आप उल्टी सिलाई डालेंगे। देखिए ऐसे ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 9 और 10 को बुनने के बाद आपको ये ऐसा ऐसा दिखने लग जाएगा। ये सीधा उल्टा है, आप बस इसमें रो नंबर 9 और 10 को अब रिपीट करते जाइए, यानी कि सीधी साइड सीधी रो और उल्टी साइड में उल्टी रो इसमें डालते जाइए, जब तक आपकी कैप की लेंथ कंप्लीट नहीं होती है। फिर उसके बाद हम डिक्रीजिंग करेंगे। मैं इसको ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें टोटल कितनी रोज़ डाली हैं, कितनी इसकी लेंथ बनाई है। ये मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैप की जो लेंथ है ये कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 28 रोज डाली हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 रोज जो हैं ये बॉर्डर की हैं,
यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 36 रोज़ टोटल बनती हैं। यहाँ से नीचे से बॉर्डर की रोज़ मिला के यहाँ तक टोटल 36 रोज़। अब मैं आपको इसकी मेज़रमेंट करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी हुई है। देखिए यहाँ से ये इसकी टोटल लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमारी ये लेंथ इसकी पूरी हो चुकी है कैप की, जो सीधे सीधे बुना है हमने। अब हम इसकी डिक्रीजिंग करेंगे और इसका हेड वाला जो ऊपर गोलाई वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रो नंबर 37 है, राइट साइड डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसमें हम ये साइड का है, यहाँ से स्टार्ट किया है तो एक एज स्टिच रख लेंगे हम यहाँ पे, और 2, 4, 6, 6 फंदों का गैप रख के इसमें घटाएंगे। देखिए ये मैंने 7 फंदे बुन लिए हैं सीधे। अब आप इसमें 2 का 1 कर लेंगे, 6 फंदे बुनेंगे, बट एक हमारे पास यहाँ पे एक एज स्टिच है जो सिलाई में आएगा। देखिए ऐसे। अब देखिए आगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 फंदे बुन लिए मैंने। ये मैंने घटाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से 2 का 1। ऐसे ही इस रो को चलाएंगे। बस एक एच स्टिच हमने यहाँ पे रखना है, बाकी 6 6 फंदों के बाद 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और आगे से बुनते हुए 2 का 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 का 1। ये पूरी सिलाई जो है ऐसे ही करेंगे हम, 6 6 फंदे बुन के सीधे और 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस रो की लास्ट में हम, ये मैंने यहाँ पे 2 का 1 किया है। अब 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये देखिए 2 का 1। और लास्ट में हमारे पास एक एच स्टिच आ जाना चाहिए, ये हमारा एच स्टिच है। ये रो हमने 37 डिक्रीजिंग वाली कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड में है रो नंबर 38। रो नंबर 38 और आगे आने वाली सारी रॉन्ग साइड वाली रोज उल्टी बुनी जाएंगी। देखिए इसमें आपको कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है, ये सारी की सारी आपको उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है लास्ट तक। अब मैं आपको रॉन्ग साइड वाली रोज नहीं बताऊंगी। राइट साइड में है रो नंबर 39 में, ये देखिए एक हमारा ये एस स्टिच बुन लेंगे हम, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब पिछली लाइन में हमने 6 का गैप रखा था, अब हम 5 स्टिचेस का इसमें गैप रखेंगे। ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा एस स्टिच है, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 का 1। 5 5 फंदों के गैप पे 2 का 1 बनाएंगे। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और यहाँ पे 2 का 1। 5 5 फंदों को सीधा बुन के
दो का एक बनाएंगे। देखिए ये सारी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में एक एच स्टिच आएगा आपके पास, उसको बुन लेंगे। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस रो की लास्ट में है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आपको हर बार यहाँ पे ऐसे ही करना है। ये मैंने देखिए 5 फंदे सीधे बुन लिए हैं, जितने आपका गैप आ रहा है। उसके बाद ये दो का एक, और लास्ट में आपके पास हर बार यहाँ पे एच स्टिच आ जाएगा। और उल्टी साइड वाली रो उल्टी बुन के कंप्लीट कीजिए। रो नंबर 41 में हम राइट साइड में, देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फंदे डिक्रीज होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये मोटी मोटी लाइन आपको दिखेगी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद। तो चलिए 41 रो है, ये एच स्टिच बुन लेंगे। और अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, पिछले में 5 का गैप था, अब हम 4 का डालेंगे। 1, 2, 3 और ये 4, 4 फंदों के बाद 2 का 1। ऐसे ये एच स्टिच है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये देखिए यहाँ पे 2 का 1। 4 4 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 2 का 1। ये सारी जो रो है ऐसे ही हम बुन के कंप्लीट करते हैं। लास्ट में आपको दिखाती हूँ, इस रो की लास्ट में हम देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 2 का 1 और लास्ट में ये एच स्टिच ऐसे ही सीधा बुनेंगे। ये हमने जो एच स्टिच रखे हैं ये सिलाई के लिए रखे हैं, तो उल्टी रो उल्टी बुन के कंप्लीट करते हैं। राइट साइड में हम रो नंबर 43 में देखिए एच स्टिच बुन लेंगे। और अब हम 3 3 फंदों का इसमें गैप रखेंगे। 1, 2 और ये 3। कैसे अब हम 2 का 1 करेंगे। तीन तीन फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे। 1, 2 और ये 3 और ये देखिए यहाँ पे 2 का 1। वन टू थ्री और ये 2 का 1। इसको लास्ट तक आपने ऐसे ही बनाना है, इस सिलाई को पूरा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में काफ़ी बार बता दिया है कैसे करना है। तो ये आप रो ऐसे ही 3 3 का गैप देते हुए कंप्लीट कर लीजिए। रो नंबर 45 में हम राइट साइड में देखिए एच स्टिच बुन लेंगे एक आप। अब हम इसमें 2 2 का गैप देते हुए घटाएंगे। देखिए 1 और ये 2 और 2 का 1। कैसे 1, 2 और 2 का 1। वन टू और 2 का 1। वन टू 2 का 1। पूरी रो जो है ये ऐसे ही हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। रो नंबर 47 में हम राइट साइड में एच स्टिच बुन लेंगे एक। अब हम एक एक का गैप देते हुए 2 का 1 बनाएंगे। देखिए 1 और 2 का 1। 1 2 का 1। 1 एक सीधा बुनेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। कैसे
फिर से वन और ये दो का एक। ऐसे ही करते हुए ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 49 में हम राइट साइड में देखिए कैसे बुनेंगे। एक हम इसमें स्टिच बुन लेंगे पहले, अब हम दो का एक करते जाएंगे। कैसे? सारे फंदों का दो का एक करते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इधर वाली साइड भी एक हमारे पास एज स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड वाली जो रो है उल्टी बुन के कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड है इसकी। अब यहाँ तक हमारी 50 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी डिक्रीजिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और ये 10, 10 फंदे बचे हुए हैं। ये देखिए, इसमें मैंने सुई में धागा डाल लिया है, ये वाला धागा काट के, और ये जो 10 फंदे हैं ये हम सुई में से निकाल देंगे। सुई में से निकाल देंगे, देखिए कैसे। यही धागा है जो मैंने सुई में डाला है काट के। ये देखिए, ये आप सारे ऐसे सुई में डाल देंगे, देख सकते हैं आप। ये मैंने सारे इसमें सुई धागे में से निकाल दिए हैं फंदे। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बस अब आप इसको थोड़ा सा सिल देंगे। यहाँ जो इसका एज है इसके साथ मिलाते हुए थोड़ा कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम पक्का कर लेंगे। अच्छी तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये पक्का हो चुका है। अब आपको ये वाली साइड इसकी एक सिलनी है, ये हमारा रॉन्ग साइड ही है। यहाँ से आप इसको पूरा का पूरा अपने हिसाब से जैसे आप सिलते हैं इसको सिल के कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, इसका बॉर्डर मिला लीजिए आपस में और ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। सिल के अपने हिसाब से सिलिए इसको, और फिर बाद में इसको हम सीधी जब करेंगे, देखिए ये ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर हम एक पॉम पॉम अटैच करेंगे बहुत सुंदर सा बना के। पहले ये मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप को सिल के कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप इसका ये पूरा सिल लोगे। अब इसको सीधा करके देखते हैं कैप को। देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद इसकी ऐसी लुक आएगी। ये देखिए, ये इसकी सिलाई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग की है ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है यहाँ पे सिलाई के बावजूद भी। तो ये देखिए, ये आपकी ये बन के तैयार है पूरी कैप। अब इसमें यहाँ पे हम पॉम पॉम अटैच कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा सा पॉम पॉम भी बना सकते हैं, या मेरे चैनल पे वीडियो है पॉम पॉम बनाने का। एक दो तरह के पॉम पॉम मैंने सिखा रखे हैं, वहाँ से देख के आप बना सकते हैं। मैंने जो पोम पोम बनाया है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पोम पोम मैंने बना के इसका तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इसके टॉप पे हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैप को उल्टा कर लिया है
और ये पोम पोम के साथ मैंने ये धागा छोड़ा हुआ है, इसको ऐसे पकड़ लेंगे और अंदर लेके जाएंगे। ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कैप की टॉप है, यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और ये जो दो धागे हैं इसके छोड़े हुए, ये यहाँ से निकाल लाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें से आराम से धागे निकल के आ गए हैं। बस अब आप यहाँ पे थोड़ा सा धागा लगाएं, यहाँ पे इसके साथ अटैच करें और इसको इसके साथ सिल दें। देखिए फ्रेंड्स, ये धागा मैंने अटैच कर लिया इसके साथ। अब यहाँ से हम इसको मिलाते हुए अच्छी तरह से साइडों से सिल देंगे। उधर वाली साइड का ध्यान रखेंगे, पोम पोम को साथ में नहीं सिलना है, ध्यान से सिलेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम अटैच कर देंगे और इस धागे को भी अच्छी तरह से इसमें करते हुए साथ के साथ अटैच कर देंगे। अच्छे तरीके से पोम पोम अटैच करिएगा, नहीं तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, इसको और भी थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने ये पोम पोम अटैच कर लिया है इसके ऊपर। आप चाहें तो विदाउट पोम पोम भी ये कैप बहुत सुंदर लगेगी। देखिए, और फाइनली ये कैप बन के हमारी तैयार है। देखिए ये लुक आएगी कैप की। अब आपको इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। अब आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए, गिफ्ट करने के लिए बहुत ही सुंदर कैप। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।